ठीक है, तो आई होप काफ़ी रिप्लाइज थे इस पूरी वीडियो में, मैंने सबके रिप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, होप सबके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। हेलो एवरीवन, होप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। चैनल पे कुछ भी अपलोड भी नहीं हो रहा था ड्यू टू हेल्थ इशू, बट नाउ आई फील्स आई एम ठीक। ठीक है, अब ठीक हूँ तो अपलोड कर देना चाहिए। रीज़न इज़ डैट काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में रिगार्डिंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फॉर दोज गाय हु आर हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जितने भी कमेंट्स हैं, हर एक कमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प ही कर रहा था। ठीक है, कोई भी वैसा कमेंट नहीं मिला मुझे। ठीक है, दिस इज़ सही में काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। मतलब ठीक है यार, लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला भी रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ सबका। तो इन दिस वीडियो जितने भी कमेंट बॉक्स हैं, ठीक है, उन सबके रिप्लाई, जो भी डाउट हैं, फर्स्ट थिंग इज़ डैट काफ़ी लोगों के सेम डाउट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें डाउट आता है वो पूछते हैं, बट नीचे कमेंट बॉक्स में खुद के आंसर मैंने रिप्लाई भी किए थे, फिर सेम डाउट आता है तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट नो वरीज, ठीक है, वन थिंग विच आई डिसाइडेड डैट आई थॉट डैट वन मेक अ वन डिस्कॉर्ड चैनल। ठीक है, काफ़ी लोगों के डाउट हैं तो मैं क्या सोच रहा था ऐसा। ठीक है, अगर मैं डिस्कॉर्ड सर्वर कोई भी बनाता हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं बनाता हूँ तो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि जिसे भी कोई रिगार्डिंग कोई भी हेल्प हो तो तुम वहाँ पर जाके क्या करेंगे, कुछ सीनियर्स जो तुम्हारे कॉलेज के हैं, ठीक है, तुम वहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 5-6 सीनियर्स, तो तुम उनसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, जो भी डाउट है, तुम वहाँ पे जाके किसी को भी पिंग करके पूछ सकते हो, इवन वॉइस कॉल भी कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, अब जिसको डिस्कॉर्ड नहीं पता है, आर आई बी फॉर दोज, बट अगर नहीं पता है तो देख लेना यूट्यूब पे, देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स। बट फर्स्टली सजेस्ट यही करूँगा, डिस्कॉर्ड देख लेना, क्योंकि तुम जैसे ही ज्वाइन करोगे, अगर तुमने डिस्कॉर्ड आज से पहले यूज़ नहीं किया है तो तुम्हें ये लगेगा कि तुम व्हाट्सअप यू आई होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, एक मैसेज आता है किसी का, तुम रिप्लाई कर देते हो, बट डिस्कॉर्ड बिल्कुल अलग दुनिया में तुम्हें ले जाता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने डिस्कॉर्ड यूज़ किया था, मुझे तो समझ ही नहीं आया ना, मैं 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने के लिए उसको मैंने ऑन ही नहीं किया डिस्कॉर्ड को, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था। बट डिस्कॉर्ड सही में बाद में जब यूज़ करोगे तो तुम्हें व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब एक अलग तरफ, ठीक है, एंड डिस्कॉर्ड साइड एक अलग तरफ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो, सबसे मेरा फेवरेट है डिस्कॉर्ड, तो तुम उसको ज्वाइन कर लेना। अब जो भी डाउट्स हैं, पहले तो मैं कुछ डाउट अपनी तरफ से कर लेता हूँ जो मुझे खुद पता है। फर्स्टली डाउट आता है एक CSIT का डाउट आएगा तुम्हारा कि CS लें या IT लें। ठीक है, पहले ये एक डाउट आता है, तो तुम कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी CS ही ले लो। ठीक है, अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही भर रहे हो, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द गाइज वो होंगे जो ये सोच के CS ले रहे होंगे, CSIT, कि मेरा एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल रहा होगा। ठीक है, उन्हें ब्रांच का नहीं पता होता कि ब्रांच में क्या करना होता, तो उसके लिए यही सजेशन रहेगा मेरा कि तुम ब्रांच जाओ यूट्यूब पे। ठीक है, ब्रांच के बारे में ढूंढो, सर्च करो कि किस ब्रांच में तुम्हें क्या है, ठीक, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या तुम्हारी जॉब है, या क्या वो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच भी कर रहा है कि तुम बस CS के पीछे भागे जा रहे हो। ठीक है, लोग भागे जा रहे हैं भीड़ में, वैसे तुम भी भागे जा रहे हो CS की तरफ, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी टाइम है, देख लो, क्योंकि आई थिंक अभी तो ग्रीवेंस वो सबमिट करने का टाइम है। ठीक है, तो 3-4 दिन है, तब तक वीडियो सर्च कर लो, IT, मैकेनिकल, ENTC, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सबके बारे में देख लो, किस ब्रांच में क्या है, तुम्हारा कैरियर क्या होने वाला है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ डाउट है, CS लें या IT लें, तुम्हें कोई भी ब्रांच मिलती है, प्लेसमेंट वाइज हो चाहे कैसे भी हो, दोनों बेस्ट ब्रांच हैं। ठीक है, उसमें कंपेयर करने की चीज़ ही नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी CS रखना, सेकंड प्रायोरिटी IT रखना, एंड जो भी मिलती है उसमें खुश रहो। ठीक है, दोनों अच्छी ब्रांच है। अब बात आती है ENTC एंड IT, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि ENTC लें या मैकेनिकल लें, तो जो प्रायोरिटी लोगों की होती है, मोस्टली लोगों की होती है, 95%+ या 98%+ कर लो, फर्स्ट प्रायोरिटी में CS भरेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में IT, थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फोर्थ में मैकेनिकल। एक डाउट होता है कि मैकेनिकल मिल रही होती है लोगों को, बट ये डाउट होता है कि ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो यार मैकेनिकल वो देख, अगर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर से देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, एवरेज भी थोड़ा उसका लो रहता है। ठीक है, कंपेयर करें अगर फीस स्ट्रक्चर से, तो
तो मैकेनिकल या देख लो, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास तो फिर आना ही है, ठीक है। अगर अदरवाइज कोई और ऑप्शन है तो सोच सकते हो उस ऑप्शन के बारे में, ठीक है। अभी मैं कमेंट बॉक्स में भी लूँगा, अगर कोई भी डाउट होगा तुम्हारा उसी से रिलेटेड तो मैं उसका आंसर दे दूँगा। एंड ENTC तुम ले लो, अगर मिल रही है और कोई ENTC तुम्हें वही मिल रही होगी, ऑलमोस्ट मेरी रैंक हो रही होगी 70 के आसपास हो रही होगी, ठीक है, 70, 80 के, 90 के। इस बार की एक तो कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाली है ये मान के चलना, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब मैंने देखा कि अरे यार मतलब इस बार बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया है। मतलब जो लास्ट ईयर रस था उतना रस मुझे नहीं दिखा इस साल, ठीक है। इस साल काफ़ी कम लोगों ने ही अप्लाई किया हुआ है, तो वो तो भी तुम चेक कर लेना। कट ऑफ भी बताते हैं, देखो तो अगर जिसने भी नहीं देखा है, सो फाइनली वी आर इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन यू कैन गो चेक इट आउट। इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे फॉर दिस ईयर, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटरली यूजफुल वीडियो फॉर यू, ओके। सो कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये मैंने पिंग मैसेज किया था यहाँ पे, रीज़न इज़ डैट, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट मुझे सेम सेम ही डाउट आ रहे थे, ठीक है। तो डैट इज़ वाई द रीज़न वाई आई पिंग। मैंने इंस्टा आईडी बाद में डाली, मैं शेयर नहीं करने वाला था बट ठीक है, डाउट आ रहे थे देन आई शेयर। ओके, फर्स्ट डाउट है कि भैया मेरी CRL रैंक 70K है, सो इट इज़ वर्थ टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेल, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन किसी को किसी ब्रांच के बारे में नहीं पता होता है, किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर CSIT, तुम्हारे स्टेट में जो भी तुम्हें CSIT मिल रही होगी तो इस रैंक पे तुम्हें डेफिनेटली अपने स्टेट में तो मिल ही रही होगी कुछ, क्योंकि NIT IIT IIT में तो इस रैंक पे कोई चांस नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा होगा तो लोअर NITs में हो सकता है तुम्हारे लिए चांस हो अवेलेबल, तो तुम वहाँ भी देख सकते हो। अगर बट यही बोलूँगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो, ठीक है। तो कैन बी ब्रांच चेंज लेटर एंड हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तुम्हारे मार्क्स होते हैं तुम्हारे बैचमेट से सबसे ज़्यादा होने चाहिए इस साल, लगभग 6 लोगों की या 8 लोगों की कुछ, ठीक है। ब्रांच अपग्रेड हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रांसफ़र हुए थे कंप्यूटर में, ठीक है। तो तुम नहीं, सब लोग नहीं, 3-4 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में हुए हैं, कुछ मैकेनिकल से, और 2 हैं शायद मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं। तो ब्रांच चेंज यही होता है, तुम्हें मेंटेन रखना पड़ेगा तुम्हारा स्कोर, ठीक है, सभी अपने जितने भी बैचमेट है सबसे ज़्यादा, तो चेंज हो जाएगी। कैन आई गेट ऑल दो CS प्लेसमेंट, कैन आई गेट ऑल दो CS प्लेसमेंट में टेकिंग लेटर, नहीं यार ऐसा नहीं होता, सभी कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं कि तुम CSIT, कुछ ही कंपनी होती है जो अलाउ नहीं करती है, बाय द वे तुम बाकी और कंपनीज होती हैं उनमें इजिली बैठ सकते हो, ठीक है। ओके ब्रू, वी हैव अप्रोक्स सेम रैंक, यस यू कैन गेट सेम प्लेसमेंट एट CSIT, ठीक है। देखो ये यही चीज़ मैं बता रहा था, काफ़ी मुझे अच्छी लगी, लोग एक दूसरे के हेल्प कर रहे थे, थैंक्स टू सार यार तुम, मतलब ठीक है, काफ़ी बंदे लाइक GPA 9.7, काफ़ी बंदे को नॉलेज भी है। पवन ने कमेंट किया है, एक्चुअली पवन इज़ योर सीनियर, ठीक है, मेरे ही बैचमेट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। खतरनाक को अभिषेक राज सिंह, ठीक है। सो सचिन, सचिन भी तुम्हारा एक सीनियर ही है, ठीक है। वी आर इन सेम कॉलेज विद सेम ब्रांच, मेरी ब्रांच में है। व्हाट इज़ द टोटल फीस ऑफ 4 ईयर्स अराउंड, यार मेस प्लस हॉस्टल, अच्छा मैंने रिप्लाई भी किया था, लगभग मान के चलो 4 लाख या 13 लाख तक, ठीक है, जो भी। साइन अरेंज इज योर सीनियर, ठीक है। तो मैंने पिंग करूँ इनसे पूछो डाउट कि जो भी तुम्हें डाउट आ रहे हैं। 67,000 रैंक पे CS मिलेगा क्या इस साल, मे बी चांसेस है, ठीक है। फर्स्टली प्रोविजनल लिस्ट देख लेते हैं, वो तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या है, उसमें भी काफ़ी डाउट आ रहे थे लोगों को। देखो ये है प्रोविजनल लिस्ट है, ये तो मैं मिल जाएगी, इस पर क्लिक करता हूँ और शेड्यूल भी देख ही लेता हूँ। शेड्यूल 22 को आनी थी बट आई नहीं, आज रिलीज हुई है, 27 को डिस्प्ले है, 28 को, ठीक है तुम देख लेना। अब ये चीज़ देखो यार, ये प्रोविजनल, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, अगर तुम्हारी परसेंटाइल इससे 82.71, ठीक है, इससे ज़्यादा परसेंटाइल है एंड तुम्हारा नेम लिस्ट में नहीं है, देन तुम्हें कॉलेज में ये यहाँ पे उन्होंने मेल आईडी कुछ दे रखी होगी, ठीक है, यहाँ तुम्हें मैसेज करना होगा कि तुम्हारा जो भी डिटेल है कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है एंड मेरा नेम मेंशन नहीं है, बाकी ये किसी के भी काम का नहीं है, ये जो भी ग्रीवियंस बोला है ना उन्होंने, कहाँ पे यहाँ पे कुछ बोलते हैं लोग, प्रोविजनल मैरिज विल बी आउट ज्वाइनिंग,
ओनली वार्ड ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल विल कंसिडर, नेवी एयरफोर्स राइफल इनका कुछ नहीं रोल है। एज पेमेंट ऑफ फीस रेट 11,000 ओनली फॉर आर्मी बार ब्लू, फीस कैन बी डिपॉजिट विद इस डिपॉजिट। ठीक है, इन्होंने ग्रीवेंस के लिए कुछ बोला होगा बट वो तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, जो भी होगा, जिनका भी नेम इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए चीज़ है वो। ठीक है, जिसका लिस्ट है उन्हें बस वेट करो, जो भी फीस स्ट्रक्चर है 11,000 वो भर देना। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ आर्मी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पहला बंदा 97 है बट ग्लेनेट्री अवार्ड लग के ये 99 पे हो गया, तो मान के चलना तुम सी एस, तो यहाँ पे मान लो अपनी अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 95, 200 लगभग को 200 का गया। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो गया, इतना नहीं जाएगा सी एस का। सी एस तो मैं 95 मान के चलना, इस बार थोड़ा सा कम कर लेना तो 94.8 पे भी हो सकता है चांसेस मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, IT 93 तक तो मिल जाएगा इस बार, जो मुझे लग रहा है चांसेस कि 93% तक या 92.5 के ऊपर जो भी परसेंट है उन्हें IT अलॉट हो जाना चाहिए। बट एक चीज़ है जो अभी जब तुम्हारी 27th को जो भी डेट आ रही है ना उसमें हो सकता है कुछ चेंजमेंट होंगे, तो इस बार कट ऑफ लो जाने वाले हैं। तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का मान के चलना 88-89% पे भी तुम्हें कहो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही हो। ये सब डाटा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर का देख के कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एंड जो भी आज की प्रोविजनल लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि कितनी कट ऑफ जानी है, कितनी परसेंट जानी, वो मैं बाद में ही बता पाऊँगा। एंड मैकेनिकल इस बार कट ऑफ मान के चलना, जो भी लास्ट ईयर की थी उसमें से -2% कर देना। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में ही आ जाते हैं भैया, बहुत सारे ऑन कैंपस हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। देखो यार, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एक दो ऑफ कैंपस भी होता है बट मोस्ट ऑफ द जो भी अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, लाइक ऑन कैंपस भी होते हैं प्लेसमेंट लेकिन सारे ऑन कैंपस हैं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट हैं तो सभी ऑन कैंपस नहीं है ये मान के चलना। आई गेस सी एस ई विल बी कट ऑफ 93%, ओनली 7 लाख स्टूडेंट। हाँ, अगर कम है तो 93 भी जा सकता है। एंड भैया मुझे ई सी मिल जाएगी बट वॉन्ट टू गो इन आई टी, इज ई सी गुड चॉइस इन दिस कॉलेज? यार मतलब आई टी के कंपेयर में तो गुड चॉइस नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, बट ठीक है, अगर तुम्हें ई सी ही लेना है तो ले लो। ब्रांच अपग्रेड के चांसेस, ब्रांच अपग्रेड डिपेंड भी करता है कि लास्ट कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर सीट ही नहीं हो तो तुम्हारा कोई ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा, तुम्हारा क्या किसी का भी ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सीटें भी अवेलेबल होनी चाहिए। भैया प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट 202 प्लेसमेंट एंड हाइएस्ट पैकेज 2 टर्न बाइक 45 लाख है। और यहाँ ये और क्या बच्चों के ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं अमेजन गूगल में? या देखो यार, गूगल में तो ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट हुए, ऑन कैंपस गूगल नहीं आती यार, मतलब समझ रहे हो क्या? ठीक है, इतना भी नहीं है। हाँ, अमेजोन का शायद ऑफ कैंपस हुए हैं, अभी ऑन कैंपस नहीं है आई थिंक सो। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ जिससे प्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा डाउट है, एक वेबसाइट है अनुभव, ये AIT की पर्सनल वेबसाइट है हमारे कॉलेज की। यहाँ पे ये जितनी भी कंपनीज है ना, ठीक है, जिन्होंने 4 ईयर सीनियर्स, देखो अमेजोन पर 4 लोगों ने उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑफ कैंपस। अच्छा सॉरी, अमेजोन का देखो ऑफ कैंपस है यहाँ पे 1, 2, 3, तो यानी अमेजोन ऑफ कैंपस आ रही है। ठीक है, अमेजोन पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें गूगल भी मिल जाएगा, गूगल पे देखो 2 लोगों ने किया है। ठीक है, FTU ऑफर ऑफ कैंपस, एंड दोनों ऑफ कैंपस ही हैं। मैंने ऑफ कैंपस का मतलब अभी क्या बोला, मतलब ऑफ कैंपस है, सॉरी यार मुझे लगा ऑन कैंपस है, आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर जितने भी सीनियर्स हैं सभी अपने AIT के सीनियर्स हैं, उन्होंने सब कुछ दे रखा है, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे कमेंट की तरफ। ऑफ कैंपस ऑब्वियसली ब्रो, गूगल डज नॉट, ठीक है, कुछ लोगों ने डिस्कशन किया है काफ़ी। ठीक है, आर ई सी स्टूडेंट अलाउड टू सिट इन एट प्लेसमेंट?
मतलब क्या, मतलब आईटी प्लेसमेंट? ओके हाँ, बस वही है कि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं, दो तीन मतलब कुछ नहीं अलाउ करती हैं, बाकी कंपनीज अलाउ कर देती हैं। हाँ, मैकेनिकल वालों को तो नहीं अलाउ करती हैं, लेकिन उनको भी कुछ ही कंपनीज अलाउ करती हैं। भाई मेरी 84% है, जेई मेन्स मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आई कैन नॉट टेल यू ब्रदर, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है यार, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करते रहो, मे बी हो जाए। 97.2 पे एडमिशन हो जाएगा क्या? हाँ, इस पर तो हो जाएगा, सीएस भी मिल रही होगी। एनआईटी में कोर ब्रांचेस वर्सेस एआईटी में ENTC, तो यह डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी, मतलब किस एनआईटी में क्या ब्रांच मिल रही है, ठीक है? मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता अगर तुम्हें, बट एनआईटी में मिल रहा है, ठीक है, तो तुम वहाँ भी सोच सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। आई एम स्टिल कन्फ्यूज इट कंप्यूटर साइंस क्या फ़र्क पड़ता है। ये किसी मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया था, तो मैं सीनियर क्या इंजीनियरिंग बनेगा रे तू, मुझे भी हंसी आ गई थी। कोई नहीं भैया, अगर यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में सीएस मिल रही है तो वो लेनी चाहिए, या AIIT में इलेक्ट्रॉनिक, या फीस भी कम हो वहाँ तो? एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी, एंड लास्ट ईयर एक मेरे ही बैच में एक बंदी है, लाइक ठीक है, उसने भी, उसने तो यूपी स्टेट में टॉप किया था, उसकी यूपी यूटीयू की जो रैंक थी, आई थिंक अंडर 200, अंडर 300 थे, उसे आईटीयू में सीएस मिल रहा था, बट सी चूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन AIIT डिपार्टमेंट। तो तुम भी देख लो यार, जो भी तुम्हें सही लगे। सर, जैसे कि कॉलेज प्रोस्पेक्टस में स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल दी है, तो क्या एक स्टूडेंट कहाँ गया? क्या एक स्टूडेंट दो और मोर स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं? हाँ यार, एक से दो स्कॉलरशिप के लिए तो मैं अप्लाई कर सकते हो, अगर एलिजिबल हो तो कोई फ़र्क नहीं है। सीनियर हैं तुम्हारे, ये भी सीनियर हैं तुम्हारे, ENTC लेना चाहिए क्या, या स्टेट कॉलेज से CSIT ले लूँ? डिपेंड करता है, अगर तुम्हें ENTC में बिल्कुल भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो, CSIT ले लो। भैया, व्हाट शुड बी नेक्स्ट ईयर कट ऑफ फॉर CSIT? नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या, 2022 का कट ऑफ पूछ रहे हो? तो आई कैन नॉट अज्यूम लिटरली। गुड वर्क भाई, ये मैकेनिकल इंजीनियर मैंने जिसको बोला है ना, जो तुम्हारे सीनियर्स, वही तुम्हारे सीनियर्स हैं, बाकी कमेंट में ऐसे ही कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए AIIT कैसा है? सोचने लायक है, तुम्हें सोचना चाहिए, अगर तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं है तो सोच लेना यार, मतलब ठीक है। अदरवाइज यही बोलूँगा कि और भी ऑप्शन है, उनको देख लेना। वॉट टू डू आफ्टर प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट इज रिलीज? अभी ये लिस्ट रिलीज हुई है, तुम्हें बस अपने नाम चेक करना है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में है कि नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड वेट करो नेक्स्ट लिस्ट का, जब नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद यू हैव टू बी पे द 10,000 अमाउंट जो भी होगा उनका। प्रॉब्लम इन फिलिंग फॉर्म, प्लीज़ हेल्प टेल मी विस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर IIIT लखनऊ तो नहीं है, IIIIT लखनऊ में, AIIT पुणे, NIT सिलचर, इनका रिप्लाई मैंने दे दिया था, यहाँ पे लोगों ने डिस्कशन भी किया है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। ब्रो, आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर्म AIIT पुणे सक्सेसफुली, एंड व्हाट विल बी डेट फॉर अनाउंसिंग द रिजल्ट? अब ऑब्वियस है, आज तो रिजल्ट आ गया है, तो इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोगों ने डिस्कशन किया, काफ़ी अच्छा था। माई CRL रैंक 90 के एंड OBC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, कोई भी किसी भी टाइप का कोटा नहीं लगता, स्टेट कोटा, SC ST, तुम कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे जनरल कोटा है जो सबके लिए, तो तुम्हें OBC का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट OBC 25K है, देन तुम्हें NIT भी चांसेस मुश्किल ही मिलेगा, तो 90K पे ENTC मिल सकता है तुम्हें यहाँ पे। मज़ा आ गया भैया, आई गॉट 90, सो कॉन्ग्रेट्स यार, तुम्हें CSIT दोनों मिलने के चांसेस हैं, दोनों मिल भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी कौन सी ब्रांच है एंड कितनी रैंक थी? 70K ENTC यार, अरे इस बार तो शायद 70K पे IIT मिलेगी, 3 लाख पर ईयर यार, काफ़ी ज़्यादा है। डियर, मेरे बेटे ने लास्ट ईयर ENTC लिया था, इसका रिप्लाई मैंने किया था, तुम चेक कर लेना। भाई, 57K रैंक में CSIT मिल जाएगा क्या? ऑब्वियस है, मिल जाएगा, और नॉट इवन IIT, तुम्हें CS भी मिल जाएगा। 93.3% JEE 90, 12th से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12th में क्या परसेंटाइल है, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो ना, वो ये 12th में, 12th के बेसिस पे नहीं ले रहा है, ठीक है, तुम्हें परसेंटाइल बेसिस पे ले रहा है। एंड 93.9 नंबर, आई होप सो दिस ईयर यू विल गेट टू चांस टू इन IIT डिपार्टमेंट, IIT तुम्हें मिल सकता है। फिर यहाँ पे लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेटली, और 92.9 पर भी, 90 उस पर थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर ENTC ही मिलेगा, बट सोच लेना फिर भी। लास्ट ईयर 64K पर क्लोज हुई थी IIT, इफ योर रैंक इज अंडर देन IIT यू कैन गेट। ओके भैया, मुझे DTU में ECE मिल जाएगा शायद, तो क्या मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए? अगर तुम्हें यहाँ पे ENTC नहीं मिला है, DTU में ECE मिला है, तो DTU लो,
ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है भाई। ई सी ए मिल रहा है तो और क्या चाहिए, तू भी डी टी ओ में। अरे हाँ सी आर रैंक क्या है बताना। हाँ ये ऑल इंडिया रैंक 11,459, तो सी एस मिल जाएगा यहाँ पे तो। बट तो तुम्हें एन आई टी वगैरह में ही देखना चाहिए यहाँ पे आने की, मुझे नहीं लगता कोई नीड है यहाँ पे आने की, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इससे भी काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तुम ए आई टी में पढ़ते हो क्या भाई? नो भाई, एन आई टी जालंधर वर्सेस ए आई टी इन विच सी एस इज बेस्ट। हाँ देखो यार, सी एस कंपेयर करने का कोई वैसा सीन नहीं बनता है मुझे, बट ठीक है, अगर तुमने एन आई टी और ए आई टी का सी एस ही कंपेयर किया तो मैं कहूँगा एन आई टी लो, ठीक है, बट ए आई टी भी ले सकते हो, बट एन आई टी लो जो यार, लाइक टैग भी तो मिल जाएगा तुम्हें। सी एस ही ब्रांच लेनी है ठीक है, प्लेसमेंट तुम वहाँ से भी वही ग्रैब कर लोगे, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेंगे वही तुम्हें यहाँ मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ कम है वहाँ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फीस भी तुम्हारी कमी होगी, तो एन आई टी जालंधर ले लो। सी एस की 4 साल की फ़ीस इंक्लूडिंग हॉस्टल, सी एस ए आई टी सभी डिपार्टमेंट की फ़ीस सेम है, 12 लैक्स के आसपास भाई। आप भी इसके रिप्लाइज मैंने काफ़ी सब दे दिए थे ब्लॉग ब्रोस के जो भी हैं, ठीक है भाई। ब्रांच चेंज पॉसिबल है आईटी में, अगर सीट खाली है देन पॉसिबल है। 94.4 मे बी ई एन टी सी दिस ईयर। ट्रू पेट्रियट कितने पता नहीं कमेंट किया। आई गॉट 93.4 ई एन टी सी, बट देर मे बी चांसेस फॉर गेट आई टी। सी एस सी कट ऑफ 45 शुड बी 93 बी सी। भैया लड़कों के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, ऐसा बात नहीं है, एक मैंने बोला था स्कॉलरशिप के लिए, बट ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए भी है स्कॉलरशिप, बट गर्ल्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती हैं अपने पास। 62 रैंक पे सी आई टी मिल जाएगा, एंड कॉम के चांसेस कम है बट मिल सकता है, ठीक है, इस साल चांसेस है। थैंक यू वेटिंग फॉर दिस, थैंक यू ब्रो। भैया प्लीज़ बताया, 53 पे सी एस मिल जाएगा यार। भैया आई टी मिल सकती है, भैया ड्रॉप लूँ सी एस के लिए या आई टी के लिए? यार सी एस आई टी मिल रहा है तो उसके लिए ड्रॉप लेने की नीड नहीं है, कोई भी ले लो ब्रांच, दोनों अच्छी ब्रांच है। 65 पे आई टी सी एस चांसेस लो, एन टी सी कन्फर्म चांसेस फॉर आई टी इज लो, ठीक है वही सब है। मेरिट लिस्ट नहीं आई यार, इस पर 34 रिप्लाईज हैं। अच्छा तुम लोग अपना डिस्कशन कर रहे होगे सब लोग, ठीक है काफ़ी अच्छा है भैया। 91 परसेंटाइल इन जेई मेन्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगी क्या? हाँ यार ई एन टी सी चांसेस हैं, इस साल मिल जानी चाहिए। फिर ये तुमने सेम ब्रो, ये तुम लोगों ने डिस्कस किया है। आर द एडमिशन स्टिल ओपन? आई डोंट थिंक सो, अब तो ओपन नहीं है, सॉरी। जिनके पापा आर्मी से नहीं है उनके इस कॉलेज में हो गया कि नहीं? नहीं होगा भाई, जिनके पापा आर्मी कॉलेज से नहीं, एंट्री अनलेस तुम जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते। अगर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो मुझे पिंग कर देना, मैं बता दूंगा क्या प्रोसीजर होता है उसका। यहाँ पे मैंने कुछ रिप्लाइज किए थे। 56 रैंक सी एस आई टी मिलेगी, सी एस मिल जाएगी। अमेजोन ऑन कैंपस है? नो आइडिया यार, 1-1.5 साल से हम लोग खुद घर पे हैं तो हम लोग को खुद नहीं पता चलता कौन सी कंपनी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। वट विल बी या सी एस का टॉप? वही लगभग 60K तक तो मिल ही जाएगी सी एस। बॉयज़ के लिए स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं है? है यार ऐसी बात, 98 परसेंटाइल पे तुम्हें और भी तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन है, वो चेकआउट कर लेना। मैं कॉलेज एडवांस के बाद खुलेगा या मेंस का लिस्ट? ऑलरेडी आउट है यार, ये काफ़ी लंबा कमेंट है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माई जे मेन्स इज 35 के, आई नो आई वुड गेट सी एस सी बट इट इज़ वर्थ इन, आई एम गेटिंग एन आई टी दुर्गापुर केमिकल आई एस टी सिपोर, अपार्ट फ्रॉम डैट आई एम गेटिंग पावर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। हु डज नॉट हैव इवन सी इन कोडिंग बट आई नो कोडिंग इन समथिंग विच इज़ नीड फॉर आवर इंटरव्यू। तो ओवरऑल तुम जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर ये है, तुम ए आई टी सी एस ले सकते हो, ठीक है, वही तुम्हें लेना चाहिए केमिकल, अगर तुम्हें प्लेसमेंट एक अच्छा चाहिए, क्योंकि केमिकल सिपोर और लाइक इनके प्लेसमेंट थोड़े कम होंगे कंपेरिजन देन अगर सी एस सी की बात करूँ। आई हैव द सेम क्वेरी, आई गॉट 16K रैंक भाई। 16K रैंक पे एन आई टी में लो, यहाँ पे आने के लिए नहीं। ट्रिपल आई टी पुणे की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा उसमें जाने के लिए। अगर तुम्हें ट्रिपल आई टी वडोदरा मिल रहा है तो तुम वहाँ देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आई टी भी मिल रहा है तो वहाँ चले जाना। यू शुड गो फॉर ट्रिपल आई टी, ठीक है, ये रिप्लाइज किए हैं कुछ। आपसे कॉन्टैक्ट कैसे रहूँ यार, मैंने इंस्टा आई टी दे रखा है भैया। ये फील्ड सर्विस रिकॉर्ड कैसे पता कराओ, फॉर्म में पूछा है यार, मतलब कैसे क्या पता करना है, मतलब
वो तुम्हारे पापा करेंगे ना उसको, ठीक है, फाइंड आउट, तो वो कर देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई बोलो, तुम तो बीटेक कर। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे, ठीक है, जो तो तुम्हारा इंटेंशन था इस क्वेश्चन को पूछने का, कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ बीटेक, व्हाई यू आर मेकिंग अ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल? बिकॉज आई लाइक टू मेक अ वीडियोज़, तो इसीलिए मैं बना देता हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है मुझे। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है मेरा कि मुझे, जो जो तुमने इंटेंशन था ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ गया तुम्हारा क्या इंटेंशन था, मैं ओपनली नहीं बोलूँगा। कैन आई टॉक टू यू और मैसेज इन व्हाट्सअप? यार काफ़ी रस हो जाता है, बट तुम इंस्टा पे मैसेज कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। पैक और 93.56, आई नो आई एम एबल टू गेट CSIT। कॉन्फिडेंट है बंदा काफ़ी। ओके, मे भी चांसेस है, बट आई एम नॉट श्योर, मे भी हो सके ENTC मिले ब्रो तुम्हें। आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क, सच मच फॉर चेंजिंग फ्रॉम ब्रांच ENTC। ओके, तुम कर सकते हो तो करो यार, मतलब ठीक है, इस साल हुए हैं 3-4 लोगों के, तो हो सके तुम्हारा भी हो जाए चेंज अगर तुम ENTC लेते हो। यहाँ पे मैंने रिप्लाई दे रखा है, तुम देख सकते हो। 16K रैंक कैन आई गेट CS? या CS तो मिल जाएगी भैया, मिल जाएगी क्या? आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने यार रिप्लाई दिए हैं, ऐसे मत बोलो भैया। 68.518 रैंक आई है जेई मेन 2020 पर। 60 IT तो मिल जानी चाहिए यार तुमको इस साल। थोड़ा हो सकता है थोड़ा चांसेस कम हो, बट मिल जाएगी शायद, क्योंकि इस साल काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया है। अक्षदीप नोटेड, हो गए क्या रिप्लाई ख़त्म? ठीक है, तो आई होप काफ़ी रिप्लाईज थे इस पूरी वीडियो में, मैंने सबके रिप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, होप सबके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता, बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर 5 to 10 मिनट। बाय बाय।